बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास में फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आपके सामने 7.8 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। शाहिद जमाल की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास सवाल लिखा हुआ है, एक तरफ मैट्रिसेस में 2, 7 एक्स प्लस वाई 3 और दूसरे साइड आपके पास 2, 7, 4 एक्स है। कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। देखें, हमने क्या चीज़ पिक करनी है, जिस पोजीशन पे एक्स और वाई आ रहा है ना, आपने सिर्फ वो पिक करना है, क्योंकि हमारा काम उससे है। एक्स प्लस वाई इसकी पोजीशन पे आ रहा है 4 और एक्स की पोजीशन पे आ रहा है 3, तो x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट हो गई, x इक्वल टू 3। यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, x की जगह x की वैल्यू रख दी। y फाइंड आउट करना है, y को यहीं छोड़ दीजिए, 3 को वहाँ ले गए, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास आई हो आ गई थी पहले ही 3। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि सवाल इसी से रिलेटेड है, यानी ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मालूम क्या करना है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, तीन अल्फ़ाबेट के वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स 1 और 2, 5y 0, इसके बाद है स्टूडेंट्स 4, 3 और z। नेक्स्ट टाइम आपके पास है स्टूडेंट्स 2 - x 5, 4। मिडिल कॉलम में आपके पास स्टूडेंट्स 1, 2y - 1, 5, 2, 0, 6 + 4z। दिखने में मुश्किल लग रहा होगा स्टूडेंट्स, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, बहुत इजी है। ठीक है, देखें, x मालूम करना है, x की सामने वाली पोजीशन ही आपने उठानी है। ठीक है, कोई भी हो वहाँ पे आपने वही उठानी है। y की पोजीशन देखें, ये है मिडिल, आपने उसी पोजीशन पे उठाना है जिस जगह y मौजूद है। z 6 + 4z। x फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, x यहाँ नेगेटिव है, इस तरफ ले आइए, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से सॉल्व करा, यहाँ माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो गया। आपको पता है जब ऐड होता है तो कोफिशेंट बढ़ता है, पावर ऐड नहीं होती। 1 और 1 2x, x यही रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ वैल्यू ऑफ x। y की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 को यहाँ ले आते, पॉजिटिव हो गया, और इस y को वहाँ ले गए, नेगेटिव y हो गया। 2y में से 1y, क्योंकि कोई कोफिशेंट नहीं है तो वो 1 है, 1 आया और ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसे अरेंज करके लिख रहा हूँ y इक्वल टू -1। z में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, z को यहीं रखा, 4z को इस तरफ ले आए, नेगेटिव हो गया, -3z इज इक्वल टू 6। जेड फाइंड आउट करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, 3 - 1 = 3, 3 - 2 = 6, दैट इज़ वैल्यू ऑफ x। देखें कितनी आसानी से हमने x, y और z फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वैल्यू फाइंड आउट करना समझ आई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो टिपिकल होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।